वार्ड नंबर 39 धर्मशाला बाजार स्थित महापौर कैंप कार्यालय से भरत मिलाप चौक तक जाने वाली सड़क तथा ओवरब्रिज के बगल में सुभाष ट्रैक्टर के पास की सड़कों पर पड़े गिट्टी के कारण आवागमन में हो रही दिक्कत को लेकर गोरखपुर न्यूज चैनल ने 24 दिसंबर को एक खबर प्रकाशित किया था, जिसके संबंध में दूरभाष से जब ग्रामीण अभियंत्रणगढ़ विभाग के XEN SK सिंह से बात की गई थी तो उन्होंने रविवार से काम शुरू कराने की बात कही थी। गोरखपुर न्यूज चैनल पर दिखाए गए खबर का असर देखने को मिला और सड़क का निर्माण रविवार से ही शुरू हो गया। सोमवार को जब गोरखपुर न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा था। इस संबंध में स्थानीय पार्षद छठी प्रसाद उर्फ बबलू गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज चैनल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के XEN द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद रविवार से काम शुरू हो गया। इसके लिए XEN और गोरखपुर न्यूज चैनल बधाई के पात्र हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 39 धर्मशाला बाजार के पार्षद छठीलाल उर्फ बबलू गुप्ता ने कहा, जो है नाली यहाँ ले आके यहाँ लगवा दें, गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले तो अपने गोरखपुर न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके माध्यम से हमारा काम शुरू हो गया। मेरे वार्ड में बहुत दिनों से लंबित था और मैंने भी बहुत प्रयास किया, माननीय महापौर जी ने भी बहुत प्रयास किया उस रोड को बनाने में, ये काफ़ी दिनों से लंबित था। और मैं XEN साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काम शुरू हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे अधूरे काम पड़े हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से काम शुरू करा दें, क्योंकि अभी जीरो गिट्टी है वो अभी मेरे रोड पे तारकुरों वाली पड़ी नहीं है। यहाँ से क्या बोलता है आपका सुभाष ट्रैक्टर से लेकर नकोबा बाजार तक और तीन घर पुलिया से लेकर गंगे चौराहे तक था, वो भी अधूरे काम हैं, उसको तत्काल प्रभाव से काम शुरू कराया जाए, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। शैलेंद्र सिंह से बात हुई थी आपसे XEN साहब से, तो क्या कहते कि रविवार से काम शुरू हो? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था और आपके गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि रविवार को काम शुरू करा देंगे और रविवार को वो काम शुरू करा दिए हैं और काम चल भी रहा है।